नमस्कार मैं हूं आपके साथ खुशबू गैरोला और ये है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हमारे मेहमान दोस्तों सपने तो हम सभी देखा करते हैं बड़ा आसान होता है सपने देखना पर मुश्किल होता है उन्हीं सपनों को पूरा करना जी हाँ जब हमें रास्ता कठिन नजर आने लगता है तब हम हार मान जाते हैं पर कई लोग ऐसे होते हैं जो हार नहीं मानते बल्कि लगातार अपने प्रयास करते रहते हैं और लगातार मेहनत के बलबूते पहुंच जाते हैं शिखर पर और अपनी मंजिल तक और उसके बाद चमक उठते हैं बिल्कुल एक सितारे की तरह दोस्तों आज की हमारी मेहमान भी कुछ इसी तरह की हैं जो जगमगा रही है पहाड़ी वीडियोस में जी हाँ उनको आप कई पहाड़ी गीतों की वीडियोस में देख चुके हैं इतना ही नहीं पहाड़ी संस्कृति को तो वो आगे ले जा ही रही है साथ ही हमारे युवाओं को भी प्रेरित कर रही हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में चाहे कितने भी हटके आपका क्षेत्र में इंटरेस्ट क्यों ना हो आप चाहें तो वहां सफल जरूर हो सकते हैं बस मेहनत लगातार करते रहिए तो चलिए आपको मिलवाती हूँ हमारे आज के प्रोग्राम की खास मेहमान एक्ट्रेस दिव्या नेगी से स्वागत है दिव्या जी आपका हमारे आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद मैम मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे दर्शकों का जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं वैसे तो हम बहुत सी आज बातें करने वाले हैं पर शुरुआत आपसे करते हैं आपके बारे में थोड़ा सा बताइए बचपन किस प्रकार बिता जन्म कहाँ हुआ उसके बारे में जी मेरा नाम दिव्या नेगी है और मैं पौड़ी से रहने वाली हूँ लेकिन अ, मेरा बॉर्न हुआ है मेरठ में और अभी मैं देहरादून रह रही हूँ अच्छा तो आप देहरादून कब से रह रही हैं देहरादून मुझे एट आ, एट या फिफ्टीन ईयर्स हो चुके हैं इतने साल आपको जी हो चुके हैं जी तो आपकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ से हुई है हाँ जी मेरी शिक्षा यहीं से हुई है पहले हम मेरठ रहते थे तो आधी मेरी एजुकेशन मेरठ में हुई है और फिर अब देहरादून तो मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब यहीं हुआ अच्छा तो मतलब देहरादून से भी प्यार है हाँ इसलिए पहाड़ मेरठ रहकर भी आपने पहाड़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो मौका नहीं छोड़ा आपने अच्छा बचपन से क्या ऐसा कुछ शौक़ था आपको कि हाँ मुझे दिव्या नहीं एक्ट्रेस दिव्या के नाम से पहचाना जाए बचपन से एक्चुअली मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे तो शुरू से हमारी फैमिली का माहौल पढ़ाई वाला था हुँ. तो क्या था मुझे ये था कि मैं पहले मेडिकल मेडिकल करूं तो मैं डॉक्टर लाइन में जाऊं लेकिन क्या हुआ मतलब टीवी हम देखते थे टीवी देख के एड वैड देखते थे तो अच्छा लगता था मॉडलिंग करना ये सब तो मैंने एज एन मॉडल स्टार्ट करा 2015 में फिर ऐसे मेरे करियर का स्टार्ट स्टार्टअप हुआ अच्छा तो मतलब आ, आपने मॉडलिंग से शुरुआत करी और अब आप यूट्यूब वीडियोज़ भी कर रही हाँ हैं पहाड़ी वीडियोज़ में आप काफ़ी नज़र आ चुकी हैं तो आपने बताया कि घर में माहौल तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत यू you नो know, फिल्म से रिलेटेड हो या फिर बाहर जो चल रहा है उससे रिलेटेड इस फील्ड में फ़िल्मी क्षेत्र में तो फिर कैसे मन में आया कि हाँ इस फील्ड में आगे बढ़ना है एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक़ था मेकअप वेकअप ये सब चीज़ें का और कहीं कही ना कहीं शायद से मेरी मम्मी मम्मी को शौक़ रहा होगा होता है ना जेनेटिक वो चीज़ आ जाती है बाकी पा पापा की तरफ से तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि पापा का पढ़ाई को लेके ही ज़्यादा फोकस था तो मतलब मैं टीवी देखती थी मुझे अच्छा लगता था कि हीरोइंस को देखना उनकी एक्टिंग उनका डांस तो मुझे वो अच्छा लगता था इसीलिए मैंने स्टार्टिंग किया इस फील्ड में अच्छा मतलब मम्मी ने तो साथ दिया होगा जैसा आप हाँ बता रही हैं। मम्मी का पूरा सपोर्ट रहता था हमेशा से चाहे वो मेरे स्कूल की एक्टिविटीज हो चाहे वो मेरा फंक्शन हो कुछ भी प्रोग्राम होता है मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी और मम्मी ही मुझे सपोर्ट करती थी ज़्यादा और फिर पापा का कैसा कैसी प्रतिक्रिया उनकी रही जब आपने कहा कि हाँ मुझे ऐसे यहाँ नहीं पापा का भी मतलब मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है हमेशा तो पापा का भी ऐसा नहीं था कि नहीं नहीं करना ऐसा कुछ नहीं था हमेशा सपोर्ट मिला है ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अक्सर जब आप ऐसे क्षेत्र में जाओ थोड़ा हटके पढ़ाई से हटके के मेडिकल इंजीनियरिंग की फील्ड होती है ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसी में आगे बढ़े बट आपने जैसे बताया मॉडलिंग में आप आई अब आप वीडियोस भी कर रही हैं तो उसमें सपोर्ट होना सच में आप बहुत लकी हाँ कि सपोर्ट किया है आपके पेरेंट्स बहुत रेयर पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बच्चों की मतलब इंटरेस्ट को समझते हैं या वो अपना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना ही मतलब पेरेंट्स वो चाहते हैं ना कि जैसे हम लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो हमारे बच्चा भी जॉब करे एटलीस्ट उनका भी थोड़ा सा समझना चाहिए बच्चों की रुचि की किस चीज में hmm. तो मैं पेरेंट्स के लिए यही बोलूंगी कि आप थोड़ा सा बच्चों का भी थोड़ा सा... समझें उनको उनकी फीलिंग्स या उनके मन को कि वो क्या करना चाहते हैं अच्छा ऐसा कौन सा लम्हा रहा जब आपने बिल्कुल सोचा हो कि अब तो मुझे यही करना है बस मॉडलिंग और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है बाकी कुछ नहीं करना आ, जी जब मैंने अपना ये एज एन आर्टिस्ट काम करना स्टार्ट किया था उत्तराखंड इंडस्ट्री में तो पहले तो मुझे व्यूज़ नहीं आए मेरे सॉन्ग्स में तो मुझे लगा कि दिव्या बेकार है काम करना <laughs> क्योंकि होता है ना डिमोटिवेट हो जाता है इंसान बट उसके बाद मेरा एक सॉन्ग था जो क्लिक हो गया लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला बहुत इवन मैं अगर कहीं भी जा रही हूँ अगर कहीं भी हम लोग दूसरे शूट पे जा रहे हैं तो लोगों ने मुझे पहचाना कि आप तो उस वाले गाने में थे तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा नहीं दव्या काम करना करने कौन सा वो गाना था थोड़ा सा बताइए मैं उसके बारे में जी मुझे फ़ेम मिला होलिया छः नंबर पुलिया से ठीक है बस से मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया उस गाने में मुझे और उसके तो। बाद फिर कैसा आपके सफ़र ये और आगे बढ़ा उसके बाद मैंने और भी हिट्स और भी सॉन्ग्स करे हैं और भी सॉन्ग्स में लोगों ने बहुत प्यार दिया और भी सॉन्ग्स ने जी अभी तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिसको मिलियंस <laughs> में व्यूज़ मिले हैं यूट्यूब में और बहुत पसंद कर रहे हैं लोग अच्छा आपने पहाड़ी गढ़वाली कुमाऊनी कौन कौन से तरह की आपने किए हैं सॉन्ग्स आ, मैंने हिमाचली किए हैं गढ़वाली किए हैं जौनसारी किया है कुमाऊनी किया है और मैंने हिंदी सॉन्ग्स भी किए हैं बहुत सारे और अभी आगे हमें कुछ नया देखने को मिल सकता है क्या हाँ जी मेरा कल ही एक सॉन्ग रिलीज हो रहा है इंदर आर्य जी का और अभी भी आप कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं नरेंद्र जी के सॉन्ग भी एक आपका जी जी सॉन्ग अभी कुछ टाइम पहले मेरा सॉन्ग आया है गणनतन नेगी जी सर का तो उसमें भी बहुत प्यार मिल रहा है सॉन्ग्स में अच्छा अगर हम बात करें मॉडलिंग की और अभी जैसे आप वीडियोस में एक्ट कर रही हैं तो दोनों काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं एक में आपका स्टिल पिक्चर्स क्लिक होती है फ़ोटोग्राफ़ी की अगर हम बात करें मॉडलिंग की बात हुँ. करें तो कैसा आपको मतलब ज़्यादा रुचि आपको किस में है मॉडलिंग में या फिर वीडियोज़ में जहाँ पर आपको एक्ट करना है अब तो मुझे एक्टिंग में पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी तो उस टाइम पे मुझे मॉडलिंग ही ये आपने सही बोला कि उस बहुत डिफरेंस है दोनों में बिकॉज उसमें उसमें क्या होता है मॉडलिंग में कि आपका आपकी कोई एक्टिंग नहीं होता है बस आपने खड़े होके के ड्रेसअप पहन के या रात में चल के बस वॉक करना होता है तो दोनों में बहुत डिफरेंस है एंड uh, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये एक्टिंग एक्टिंग लगता है और ये एक्टिंग आप कब से कर रही हैं ये एक्टिंग मैं कर रही हूँ टू से ओके मतलब पहले मतलब मेरा फिफ्टीन में मैंने मॉडलिंग एज एन मॉडल स्टार्टअप किया था 2019 में एज एन आर्टिस्ट में काम करना मैंने स्टार्ट किया आपको क्या लगता है क्या क्या गुण होने चाहिए क्योंकि बहुत से दर्शक हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं जो शायद सोचते हो क्योंकि अगर लड़कियों की खास तौर पे बात की जाए तो उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है लेकिन कई बार घर वालों का सपोर्ट नहीं रहता कई बार और भी फैक्टर्स रहते हैं कि वो नहीं आ पाते तो कैसे वो ख़ुद को सोचे कि हाँ हम इसके लिए परफेक्ट है कि नहीं तो क्या क्या गुण होने चाहिए देखिए मैं सबसे पहले तो ये कम बोलूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो आप तभी तभी कुछ करें तभी इस फील्ड में आए ऐसा नहीं कि आप पेरेंट्स से छुप के आ रहे हैं या कुछ लोग होते हैं तो इस तरह नहीं अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो आप इस तरह से काम करेंगे तो और मज़ा आएगा और उत्तराखंड की जो ये इंडस्ट्री है इसके बारे में आपका खुद का अनुभव कैसा रहा मेरा अब तक अब तक का जो भी सफ़र रहा मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई कि मैं अपनी उत्तराखंड कल्चर के लिए काम कर रही हूँ और मैं आगे भी ऐसा काम करना चाहूँगी और आप मिस दून भी रह चुकी हैं जी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ये 2015 में मैं मिस देहरादून रह चुकी हूँ तो फेसबुक के थ्रू मुझे पता चला ऑडिशन्स चल रहे हैं तो फिर मैं गई ऑडिशन्स देने उस दिन अपने भाई के साथ वो मुझे ड्रॉप करने गया फिर देन मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे लगा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी बट स्टिल मैंने किया स्टार्ट किया और फाइनली uh, मैं आई won द टाइटल देन मुझे बहुत खुशी हुई इवन मेरे पेरेंट्स को भी मेरे पापा को भी बहुत खुशी हुई उस समय पे आपने एक्टिंग शुरू नहीं की थी ना? जी नहीं तो क्या एक ऑडियंस को फेस करने का एक डर मन में होता है बिल्कुल डर क्यों नहीं होता है uh, मुझे मतलब उस टाइम पे वीडियो के लिए बोला गया था म्यूज़िक वीडियो के लिए तो किसी ने अप्रोच किया था मुझे बट मैंने मना कर दिया था मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी फिर एक साल दो साल बाद फिर मुझे दोबारा से किसी ने अप्रोच करा किसी आ, तो मैंने हाँ बोल दिया मैंने कहा ओके आई लेकिन आ, फिर मैंने किया लेकिन उसका रिस्पांस इतना कुछ खास अच्छा नहीं मिला लेकिन मैंने स्टार्टिंग मतलब वहाँ से किया था अपना एक हिंदी सॉन्ग किया था हिंदी सॉन्ग किया था और उसके बाद फिर कैसे पहाड़ी में आ पाई उसके वो भी फेसबुक के थ्रू उसके बाद एक यहाँ के एक कंपनी है उन्होंने पोस्ट डाला था कि उन्हें एज एन एक मॉडल की नीड है वीडियो गढ़वाली वीडियो सॉन्ग के लिए तो मैंने आ, मैंने अप्रोच करा मैंने कहा यस आई एम इंटरेस्टेड फिर बस इसी तरह से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था अच्छा आप में भी थोड़ा सा डर था कैमरे को फेस करने का अक्सर लोग होते हैं ना कि मन तो है लेकिन उनमें डर इतना आ जाता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं अपनी प्रतिभा किसी भी चाहे क्षेत्र में हो वो आगे अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं तो आगे बढ़ने का उससे वहीं पे वो रुक जाते हैं हाँ बिल्कुल डर तो था लेकिन बोलते हैं ना डर है लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो वो डर भी चला जाता है तो बिल्कुल बस इसी तरह अच्छा वैसे तो आपने बहुत सारे गीत गीतों में आपको देखा है हमने पर आपका पसंदीदा यदि हम जानना चाहें तो कौन सा है मेरा पसंदीदा आ है अभी जो मेरा जस्ट आया है क्या बोलू, जी बोलूँ नरेंद्र सिंह नेगी जी सर का अच्छा क्या क्या चीज़ें अगर कोई आना चाहता है इस क्षेत्र में तो कई बार गलत धारणाएं भी बनी हैं लोगों के नज़रिए बहुत अलग हैं अगर आप ऐसे में देखें स्पेशली लड़कियों के लिए आप मॉडलिंग ये चीज़ें पेरेंट्स नहीं करते नहीं चाहते हैं कि इसमें जाएं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे शुरुआत किस प्रकार उनको करनी चाहिए अगर उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है देखिए ऐसा कुछ नहीं है मतलब अलग अलग जगह की लोगों की तो अलग अलग धारणा होती है बट ऐसा कुछ नहीं है अगर आप खुद अच्छे हैं अगर आप खुद कॉन्फिडेंट है आप पे अगर आप टैलेंटेड है तो आप आगे जा सकते हैं आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा ऐसा कभी हुआ कि आ, किसी ने बहुत ऐसी बात कह दी हो कि बिल्कुल आप निराश हो गए हों कि अरे क्या करना चाहिए मुझे क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो तो हर जगह से आपको प्रशंसा नहीं मिलती है कई लोग आपकी तारीफ़ करते हैं कई लोग यू you नो know, नकारात्मक भाव वाले भी होते हैं जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं जो नहीं चाहते आपको बढ़ता देखना जी मेरा एक सॉन्ग आया था हिट मेरा डांडा गाँव उसमें मैं मुझे मतलब लोगों ने कुछ कुछ नहीं पसंद किया था कुछ लोगों ने पसंद नहीं किया था जैसे आपने बोला कुछ लोग हमें आ, मोटिवेट करते हैं कुछ लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं तो उस समय क्या हुआ था कमेंट्स बहुत नेगेटिव आ रहे थे तो मुझे मैं बहुत डिमोटिवेट हुई इस टाइप पे मुझे लगा कि नहीं शायद मैंने नहीं करना चाहिए मुझे आगे कंटिन्यू लेकिन फिर फिर धीरे 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 चीज़ें ठीक होती रही तो मैंने कंटिन्यू किया मैंने कहा हमने ये चीज़ को इग्नोर करा मैंने कहा फिर मैंने सोचा कि यार होता है लाइफ में ऐसा कुछ लोग आपको मोटिवेट करेंगे कुछ डिमोटिवेट करेंगे बट आपको खुद पॉजिटिव रहना चाहिए और आपके इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ा सा बताइए उसमें भी आपके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं अस्सी हज़ार से ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं लोग आपको तो वहाँ पे किस किस तरह की आपको प्रतिक्रिया मिलती है कमेंट्स भी लाइक्स भी कम और पर्सनल मैसेज भी आते होंगे अप्रिशिएट करने के लिए जी आ, मतलब मैं मैं वीडियोज़ बनाती हूँ गढ़वाली हमारे जो फोक ड्रेस में या फोक सॉन्ग में जो भी बनाती हूँ मैं तो लोग उससे ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं बनाती हूँ लोगों को पसंद आता है तो इसलिए मैं कंटिन्यू बना रही हूँ तो हिंदी सॉन्ग्स भी आप आगे करने वाली हैं ऐसा नहीं है मतलब अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं करूँगी लेकिन मैं खुश हूँ अपने जो मैं गढ़वाली सॉन्ग्स करती हूँ या मैं जौनसारी कर रही हूँ या मैं हिमाचली कर रही हूँ अपने उत्तराखंड के लिए जो मैं जो भी सॉन्ग्स कर रही हूँ मैं खुश हूँ इसमें ये बहुत अच्छी बात है अक्सर क्या होता है कि अगर युवाओं की बात करें तो वो वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा जा रहे हैं और अपनी जो संस्कृति है जैसे हम उत्तराखंड के उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं कैसे अपना योगदान दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और आप तो पूरी तरह से उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं क्योंकि मनोरंजन एक ऐसा तरीका है कि मनोरंजन के तौर पर जब कोई चीज़ देखी जाती है तो वो हम ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखते हैं और क्या पहनावा होता है कैसा नहीं होता है जो अभी यंग जनरेशन भी है युवा पीढ़ी जो अभी देख रही है वो भी देखती रहेंगी तो उनको पहचान रहेगी कि ऐसा हमारा पहनावा है ऐसा हमारा उत्तराखंड है अच्छा दिव्या वैसे तो बहुत से लोग हैं जो आपको अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं पर आप किसको मानती हैं अपना आइडियल अगर हम बोले रोल मॉडल मैं अपना रोल मॉडल मेरे पापा मतलब मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली तो मैं उनको अपना रोल मॉडल मानती हूँ ये बो, सच में जो शुरुआत होती है ना वो घर से होती है घर में जो आसपास हम देखते हैं आपके घर में माहौल ऐसा नहीं था अभी कैसा होता है क्या तब में और अब में अंतर नज़र आता है अब में तब में और अब में अंतर ये है कि मेरे घर में सुबह से मॉर्निंग से गढ़वाली सॉन्ग स्टार्ट हो जाते हैं so, नाम है ना मेरी मम्मी बहुत पसंद करती है तो वो मेरे जितने भी सॉन्ग्स हैं सब सुनती हैं डेली मतलब हमारे यहाँ मतलब बहुत डिफरेंस हुआ पहले से और अब में और आपके जीवन की बात करें तब में और अब में क्या जी अभी डिफरेंस तो मेरे लाइफ में भी हुआ है बिकॉज पहले क्या होता था पहले लोग हमें इतना नहीं जानते थे तो जब से हम लोग सॉन्ग्स करने लगे हैं जब से वीडियोज़ बनाने लगे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू लोग हमें हम जैसे कहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग पहचानते हैं और कुछ लोग जो हमें पसंद करते हैं कुछ लोग हमारे पास आ जाते हैं फ़ोटोज़ खिंचवाने या बहुत खुशी मिलती है मतलब अच्छा लगता है ना कि जब आप अपने जब आप कुछ काम कर रहे हैं अपनी संस्कृति के लिए अपने उत्तराखंड के लिए और लोग आपको उसी से जानते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है और अच्छा महसूस अगर आप खुश रहते हैं तो काम भी अच्छे होते जी, हैं सारे जी आगे के अच्छा कितना अहम आप मानती हैं सोशल मीडिया को क्योंकि आपका इंस्टाग्राम पे यूट्यूब में लोग आप तक पहुँचे हैं अपनी बात भी कहने का एक ज़रिया है ही सोशल मीडिया तो उसके लिए आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं कि अगर किसी को फिल्म इंडस्ट्री में आना है एक्टिंग में आना है तो कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो इस पर ध्यान दें इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे फेसबुक पे जी आज के टाइम पे क्या हो गया इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक इम्पोर्टेंट है बट अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको आपको मतलब मिल जाएगा मतलब हर चीज़ आप बस आपको टैलेंटेड होना चाहिए जी तो आप अगर आप आना चाहते हैं कोई भी इस फील्ड में तो आप किसी अच्छा क्या? आपने मॉडलिंग कर ली उसके बाद आपको हमने कई गीतों में देखा बहुत प्यार भी आपको मिल रहा है अब आगे हम आपको कहाँ कहाँ देखेंगे क्या आ, फिल्म इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली किसी हिंदी फिल्म में या पहाड़ी फिल्म में आपको देखा जा सकता है कुछ जी प्रोजेक्ट चल रहे हैं आगे आगे कुछ हो सकता है कुछ टाइम बाद मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री में देखूँ फिल्म में अभी आनी है मेरी कुछ वीडियोस आने वाली हैं म्यूज़िक वीडियोस आने वाली हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं मेरे कुछ लेकिन मे बी कुछ फिल्म में भी देख सकती मतलब अगर ये जानना चाहें कि पाँच साल पहले की दिव्यानेगी और अब की नेगी में बहुत फ़र्क है तो अब अगले पाँच साल में हमें और क्या नया मिलेगा देखिए मैं उत्तराखंड के लिए काम कर रही हूँ पाँच साल बाद ही मैं आपको यहीं मतलब मैं अपने मे बी मैं आपको फिल्म्स में दिखूँ वीडियो सॉन्ग्स करूँगी लेकिन मैं आपको अब मैं अपने उत्तराखंड के लिए काम करना चाहती हूँ और जो मैं कर रही हूँ और आपका भी अगर दिनचर्या जानना चाहे आपकी सुबह से शाम की क्या रहती है जी मेरी मॉर्निंग में मैं वॉक वगैरह जाती हूँ वॉक में फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वग़ैरह देन फिर उसके बाद अगर शूट है तो हम लोग तो वॉक करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है शूट अगर होता है तो अर्ली मॉर्निंग हमें मतलब निकल जाना पड़ता है लोकेशन में फिर बस फिर शाम को फ्री होता है तो नॉर्मल है ऐसा कुछ नहीं। पर आपकी वीडियोस नॉर्मल नहीं है वो तो बहुत अमेजिंग <laughs> <amazing> है <laughs> बहुत अच्छी धन्यवाद। है धन्यवाद लोग इतना प्यार करते हैं हम सब इतना पसंद करते हैं अच्छा कौन ऐसा कोई दोस्त या खास फैमिली मेम्बर जो आपको हमेशा साथ आपके साथ रहता हो या फिर आपको मोटिवेट करता हो जब आप लो फील कर रही हो कैसे भी तो किसका नाम मम्मी मम्मी हाँ मम्मी हमेशा, हा, हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं एंड मेरी बुआ है वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करती है और अगर आपके जो भी अभी जितने भी गीत आए हैं उसमें से एक दो गीत और जो आपने करे हों जो आपको बहुत पसंद हो तो वो बताइए और क्यों आपको वो पसंद है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे मेरा एक कुमाऊनी सॉन्ग था मेरू लहंगा वो भी मुझे बहुत पसंद है और मैंने एक काजल काजल करके वो भी वो भी बहुत अच्छा है उसकी शूट हमने उत्तरकाशी में करा था तो बहुत अच्छा लगता है वो सॉन्ग्स और उसके अलावा आप खुद ही अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल खुद ही हाँ जी अभी मैं खुद ही हैंडल कर रही हूँ अच्छा वहाँ पे भी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं जी जी और अक्सर ये है कि सोशल मीडिया आज की डेट पे ऐसा बन गया है कि अगर आपको घर घर तक पहुँचना है तो वहाँ पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा अच्छा कई कोई ऐसा खास लम्हा हो इस सफर में जो आपको बहुत पसंद हो या फिर दिल छू जाने वाला जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे ऐसा तो हम लोग जो भी शूट पे जाते हैं अच्छा माहौल होता है सब अच्छा होता है तो वो ही सब हम अच्छा लगता है अभी क्या अभी जो जितने भी आपके गीत आने वाले हैं उसमें कुछ नयापन आने वाला है कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर आप आने वाली हैं जी जो अभी आ, मेरा सॉन्ग आने वाला है नया नया कॉन्सेप्ट है मैंने फर्स्ट टाइम ही किया है वो कॉन्सेप्ट तो उसके बारे में, में, में भी कल आ जाएगा थोड़ा बताना चाहेंगे हमारे उसके बारे में आ, वो हमने शूट किया था ऋषिकेश में हमने एक रिज़ोर्ट बुक करा था रिज़ॉर्ट में शूट करा है और वो भी इंदर आर्य जी का सॉन्ग है तो वेडिंग थीम है उसकी कुछ जी जी बाक़ी कल वो आप सबके सामने होगा तो आप देखिए तब हम देखेंगे जी अच्छा और किस किस चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है अगर इन चीज़ों को छोड़ दें तो आप खाली वक्त में क्या करना पसंद करते हैं मैं पेंटिंग करती हूँ पेंटिंग मैंने मतलब स्कूल्स के बच्चों की मेरे पास कुछ बच्चे आते थे मैं पढ़ा मतलब मैंने बनाई है उनकी और मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी पहले मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी फिर अब अब थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से मैंने छोड़ दिया फिर वैसे आपने आ, किस चीज़ से कहाँ से ग्रेजुएशन किया है जी मैंने डी कॉलेज से आ, अपना ग्रेजुएशन करा है एंड मास्टर भी मैंने वहीं से किया है कौन सी स्ट्रीम से किया है मैंने किया है एम इंग्लिश इंग्लिश से एम करने के बाद इस फील्ड में मतलब बहुत अलग है दोनों चीज़ें एम इंग्लिश के बाद अच्छा पेर, पेरेंट्स को जब आपने पहली बार ये बताया तो उनका पहला रिएक्शन क्या था अभी तो वो सपोर्ट करते हैं अभी तो वो देख रहे होंगे कि इतना अच्छा आप कर रहे हैं तो सबको खुशी होती है लेकिन शुरुआत जो है वो बहुत मायने रखती है किसी भी सफर की जी मेरा ट्वेल्थ में पी साइंस साइड थी ओके okay, उसके बाद और आ, मुझे मेडिकल मैंने आपको बताया था मुझे मेडिकल इंटरेस्ट था, था तो मुझे मेडिकल करना था फिर आफ्टर ट्वेल्थ ग्रेजुएशन में आ, मैंने बीएससी करने का मतलब बोला पापा को बीएससी करना है बट पापा का सिविल सर्विसेज पापा ने बोला कि सिविल सर्विसेज पे आ, फोकस करना बिकॉज़ वो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो देन आ, फिर मैंने आ, मैंने कहा ठीक है मैं भी मान गई लेकिन मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मतलब सिविल सर्विसेज में या गवर्नमेंट जॉब में मैंने uh, मैंने किया मैंने बीए किया फिर उसके बाद मुझे वही फेसबुक में दिखा कि मिस्टर मिस देहरादून का ऑडिशन है तो मैंने होता है ना सडनली बस ऐसी ही मैंने फॉर्म फिल कर दिया तो मैं सलेक्ट uh, भी हो गई फिर बस मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ जीत भी गई। जी ऐसे कई <laughs> लोग होंगे जो देख रहे होंगे शो जिनको लग रहा होगा अरे हम भी शायद ऐसा कुछ करें तो आपको क्या लगता है कि शुरुआत किस तरह करनी चाहिए धीरे धीरे फिर इंसान सोचे कि हाँ अब बस यही करना है अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप वो चीज़ में ही ज़्यादा ध्यान दें मतलब अच्छा मॉडलिंग में उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जो आपका मॉडलिंग का करियर रहा उसमें आपने क्या क्या किया है और कैसा वहाँ पर अनुभव रहा मेरा मॉडलिंग में अच्छा अनुभव रहा है बहुत अच्छा रहा तो मैंने वहाँ पर मैंने काफ़ी प्रिंट शूट्स करे हैं एड शूट करे हैं और ऑनलाइन साइट के लिए लाइक फ़्लिपकार्ट स्नैपडील इनके लिए मैंने शूट करे हैं रैम शो शू, रैम शोज जो होते हैं डिज़ाइनर का ड्रेस वगैरह कैरी करके वो शूट करे हैं फैशन शो होता है देहरादून फैशन वीक हमारा मैंने वो किया है और ये सब किस दौरान हो रहा था उस समय आपकी पढ़ाई चल रही थी हाँ जी मेरा उस समय मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था और मैं बैलेंस करके चल रही थी मतलब आ, मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी फिर मतलब अपनी ग्रूमिंग की क्लासेस जो जब मैं मिस अगर मिस देहरादून जब कर रही थी तो मैं ग्रूमिंग की जो मेरी क्लासेस थी और जो मेरा ट्यूशन का टाइमिंग था दोनों में बैलेंस करके चल रही थी आपने इसके लिए कोई क्लासेस पहले सीखा है मॉडलिंग के लिए कि हाँ कैसे पोज होने चाहिए कैसे नहीं होने चाहिए या फिर बाद में आपने जो आप एक्टिंग में आई हैं उसके लिए क्या आपने पहले कोई तैयारियाँ की है सीखा है कोई चीज़ नहीं जो मैंने जो अभी बताया आपको मिस्टर मिस देहरादून जो मैंने किया था उसमें क्या होता है हमें वन मंथ हमें ग्रूमिंग सेक्शन दिया जाता है जी तो उसमें ही वो हमें बताते हैं हमें किस तरह से वॉक करना है किस तरह से Hmm. किस तरह से चलना है मतलब किस तरह से बोलना है क्या ये सब हमें पोजेज़ वगैरह वो सब उसमें बताता है तो उससे तो, पहले आपको कुछ अनुभव नहीं था जिससे पहले मुझे कुछ नहीं और वहाँ पर वो भी फर्स्ट टाइम ही आपके लिए रहा होगा कि वहाँ पर ऐसी नई चीज़ें आप देख रही हैं हाँ जी वो मेरा फ़र्स्ट टाइम था एक्चुअली मैंने फ़ोटोज़ वग़ैरह डाल दी थी इंस्टाग्राम में फेसबुक पे तो मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग या कुछ रिलेटिव बोलते थे कि आप ट्राई क्यों नहीं करते आगे कि आपको फ़ोटोशूट करवाना चाहिए प्रॉपर आपको मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए तो इस वजह से फिर मैंने उनकी बातों में होता है ना बातों में आके या कुछ भी तो मैंने ट्राई करा अच्छा कॉन्फिडेंस कितना अहम है किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो और स्पेसिफिकली अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई आना चाहता हो तो कितना महत्व महदु, महत्वपूर्ण है ख़ुद पर कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर आप किसी भी क्षेत्र में चाहे वो मॉडलिंग हो चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिर वो पढ़ाई हो कुछ भी हो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है और फिर ये सही भी है कि अगर आप खुद पे ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप सबको कैसे समझाएंगे कि आप ही सबसे अच्छे हैं और आप अच्छा कर सकते हैं इस क्षेत्र में अच्छा बहुत से हमारे युवा होंगे जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वैसे तो बहुत सी बातें थी करने को पर अभी वक्त इतना ही मुझे अलाउ करता है तो क्या एक सुझाव आप देना चाहेंगी कैसे आगे बढ़ें वो युवा इस क्षेत्र में आप बहुत मेहनत करें और कोई आपने बोला कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपको अपने पे पूरा कॉन्फिडेंट है तो आप आगे बढ़ें आगे करें कुछ और अगर आप टैलेंटेड हैं आप टैलेंटेड हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे बस बात यह है कि आगे बढ़ते जाना जी बहुत शुक्रिया आपका कि आप वक्त निकाल के आई इस प्रोग्राम के लिए दर्शकों हम उम्मीद करते हैं कि आपको दिव्या जी के साथ ये हुआ सेशन बहुत पसंद आया होगा और अगर आप भी रुचि रखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए या फिर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बस कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है खुद पर विश्वास रखिए और कभी भी हार से मत डरिए हार को हरा दीजिए और तब आप पहुंच जाएंगे सफलता के शिखर पर और शायद आपको भी देखें हम किसी एपिसोड में हमारे इस खास प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात हमारे मेहमान के नए एपिसोड के साथ तब तक आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड नमस्कार